मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि पिछले दो साल से भाजपा आम आदमी पार्टी के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है और षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र कर रही है। उनकी प्लानिंग है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी को जेल के अंदर बंद रखो और पार्टी को तोड़ो। इनका मकसद पार्टी के शीर्ष नेताओं को जेल में रखकर चुनाव लड़ने से दूर रखना था। मनीष सिसोदिया को मोदी सरकार ने तानाशाही करके 17 महीनों तक जेल के अंदर बंद रखा। दिल्ली की जनता के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले कामों भाजपा द्वारा को रोक दिया गया। संदीप पाठक ने और क्या कुछ कहा है देखिए। बेल हो चुकी है, रिलीज आज हो जाएंगे, किस तरह देखेंगे? देखिए, पिछले दो साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सांप सीढ़ी का खेल आम आदमी पार्टी के साथ खेल रही थी, षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र, षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र, कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को, पूरी पार्टी को जेल में रखो और तोड़ो, ये इनका इनकी स्ट्रैटेजी थी। बीच में लोकसभा के चुनाव आए, कई सारे चुनाव आए, इनकी स्ट्रैटेजी यही रही कि कैसे भी करके इनको जेल में रखो, इनको चुनाव लड़ने मत दो, इनकी पार्टी को तोड़ दो। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं और इतिहास गवाह है कि तानाशाही की एक सीमा होती है और इनकी अपनी एक लाइफ होती है, उसके बियॉन्ड इनका एक्सपायरी डेट तानाशाही का आ जाता है। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, ये तानाशाही के इनके एक्सपायरी डेट की शुरुआत है। जिस तरीके से आज मनीष जी को बेल मिली है और बेल के ऑर्डर में दो तीन चीज़ें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है कि आप आम जनता के साथ सांप सीढ़ी नहीं खेल सकते, आप एजेंसीज की तरफ से डिले हुए हैं, 6-8 महीने में जो पूरी होनी थी वो प्रोसीडिंग्स अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो पूरी तरीके से कोर्ट ने एजेंसीज को लताड़ा है और ये बताया है कि भाई दिस इज़ नॉट डन, आर्टिकल 21 का को हाईलाइट करके उनको बेल दी है। और ख़ास बात ये है कि वो अपना काम अच्छे खुले तरीके से पूरी तरीके से कर सकते, कोई कंडीशन नहीं लगाया। मुझे ये उम्मीद है कि थोड़े दिन में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी आएंगे और बाकी के सारे लोग आएंगे और फिर से एक तरीके से जिस जोश के साथ आम आदमी पार्टी देश के लिए काम कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, फिर से वो काम और जोश शुरू हो। मनीष जी का कागज पहुंच चुका है वहां पर, बेल बॉन्ड से वो सारे एक्सेप्ट हो गए हैं, वहाँ पहुँच चुका है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में ही सारे कागज वहाँ पहुँच जाएंगे और आधे एक घंटे ज़्यादा से ज़्यादा में वहाँ से उनके फाइनल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आज रिलीज होने के बाद वो सीधे केजरीवाल जी के घर जाएंगे, वहाँ पर मैडम है, उनके परिवार है, उनसे मिलेंगे, फिर वो अपने घर जाएंगे। कल का हमारा प्लान ये है कि कल सुबह लगभग 9:30 बजे राजघाट जाएंगे, राजघाट के बाद फिर मंदिर जाएंगे लगभग 10-10:30 बजे के आसपास, और 11-11:30 बजे के आसपास 11 बजे हमारी यहाँ पर एक छोटी सी गेट टुगेदर है जहाँ पर वॉलेंटियर्स आएंगे, बाकी के लीडर्स आएंगे और वो मीडिया और आप सबको एड्रेस करेंगे। सो ये प्लान है अभी। सर, दिल्ली में और हरियाणा में लोकसभा चुनाव है, असेंबली का चुनाव है, उसमें क्या रोल होगा मनीष जी का, क्या कोर्स ऑफ एक्शन अब होगा इनके बेल के बाद? मनीष जी हमारे नेता है, मनीष जी नेता है और फ्रंट से काम करेंगे, लीड करेंगे, गवर्नेंस के बहुत सारे काम यहाँ पर ये रोकने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखा होगा किस तरीके से पूरी बारिश आई, उससे पहले गर्मी आई, ये हर तरीके से दिल्ली को पछाड़ने की और दिल्ली को दुख देने की कोशिश इन्होंने की है, उस पर कसर नहीं छोड़ी है। मनीष जी के आने से गवर्नेंस को बल मिलेगा और हम सबको बल मिलेगा और हम सब काफी है इनको निपटने के लिए। मनीष जी को सरकार में शामिल होने के लिए अभी भी वक्त लगेगा, सीएम खुद आएंगे उसके बाद होगा, गवर्नेंस में कैसे शामिल और कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनको देखते हुए क्या दिया जाएगा? मेरे ख्याल से एक बार ही आ जाए, फिर तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, सर है, ये सारे डिसाइड करेंगे। तो आपने देखा, संदीप पाठक ने कहा कि इतिहास गवाह है कि तानाशाही की एक समय सीमा होती है, इनकी एक लाइफ होती है जिसके बाद उनकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज
और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया है वह मोदी सरकार की तानाशाही की एक्सपायरी डेट की शुरुआत है। आज जो मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है कि आप जनता के साथ सांप सीढ़ी का खेल नहीं खेल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी तक केस कार्ड ट्रायल भी शुरू नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों को बुरी तरीके से लताड़ा है और कहा है कि यह सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 21 को हाईलाइट किया गया है और मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि जेल से बाहर आकर मनीष सिसोदिया स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके काम पर कोई रोक नहीं लगाई है। मनीष सिसोदिया के बाद जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। आम आदमी पार्टी जिस जोश के साथ देश के लिए काम कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, जल्द ही वह फिर से शुरू हो जाएगा। आप नेता ने बताया कि मनीष सिसोदिया तकरीबन कल सुबह 9 बजे राजघाट वहां पर पहुंचे। राजघाट के बाद मनीष सिसोदिया करीब 10 बजे के आसपास मंदिर गए और उसके बाद वह 11 बजे पार्टी मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वह बाहर आकर लीड करेंगे। भाजपा ने दिल्ली की जनता को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले इन्होंने गर्मी में दिल्ली की जनता का पानी रोक दिया, अब बारिश में दिल्ली की जनता के साथ राजनीति कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के बाहर आने से गर्नेस को एक नए ताकत मिलेगी और हम सबको भी नई ऊर्जा प्राप्त होगी। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसीलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि गवाहों को प्रभावित करने या डराने के मामले में उन पर शर्तें लगाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है, साथ ही दो बड़ी शर्तें भी लगाई हैं। पहली शर्त यह है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और दूसरी शर्त यह कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। फैसला सुनाए जाने के बाद CBI और ED की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कोर्ट में इनके जीवन मामले की तरह ही शर्तें लगाने का अनुरोध किया था। ASG राजू ने कोर्ट से अपील की थी कि केजरीवाल की तरह ही सिसोदिया पर सचिवालय जाने पर रोक लगाई जाए। हालांकि कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। अब जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिल चुकी है, ऐसे में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से मजबूती से खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में हमारे वरिष्ठ पत्रकार क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। आश्रुति, अगर हम दिल्ली के लिहाज से देखें, आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखें, तो बड़ी खबर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अक्सर ये बात कहती रही है कि भाई जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सब कह सकते हैं कि बेबुनियाद हैं, कोई आरोप उसके ऊपर सबूत नहीं है और जितने भी आरोप हैं उनका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जिस तरह 17 महीने का इंतज़ार मनीष सिसोदिया को करना पड़ा है, अब जबकि जेल से बाहर आ रहे हैं, तो ऐसे में भी कई कंडीशन वहाँ पर दिखाई पड़ती है। आश्रुति, वो जो कहा गया कोर्ट के फैसले में कि भाई आपको पासपोर्ट अपना देना पड़ेगा, इसके अलावा हर मंडे को आपको थाने में जाकर अपनी पेशी करनी पड़ेगी। देखिए, लेकिन ये सब चीजों को छोड़कर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी में भी अरविंद केजरीवाल के बारे में तो बातें खूब होती हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया का पक्ष उतनी मजबूती से नहीं रखा जाता। लेकिन अब जबकि 17 महीने के बाद वो जेल से बाहर आ रहे हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए और खुद मनीष सिसोदिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। साथ में दिल्ली में जो 5-6 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, उसके लिहाज से भी आम आदमी पार्टी को इससे बहुत बड़ी मजबूती मिलती हुई नजर। आपने देखा कि अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी की टक्कर एक बार फिर से देखने को मिल सकती है और सिसोदिया की जमानत या आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखी जा रही है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।